वेलकम टू एएम लाइफस्टाइल। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। गाइज, ये जो मैंने दुपट्टा लिया हुआ है, ये आप लोगों ने पता नहीं शॉर्ट्स देखे हैं कि नहीं, उसमें देखिएगा मैं काम वाली भाई बनी हूँ, तो उसके अंदर मैंने जो है ये साड़ी बनाई हुई है। इससे ना, ये मामा का है तो इससे मैंने जो है वो साड़ी बनाई हुई है। इस दुपट्टे से मैं बड़ी चीज़ें कर लेती हूँ। ये मेरा एक सूट है, मैं उसके साथ भी ये वेयर कर लेती हूँ, और साड़ी भी मैंने बना ली और अभी भी ले लिया। तो अभी जो है वो, जैसे कल का व्लॉग पता नहीं किसी ने देखा है कि नहीं, वो रेसिपी और प्लस व्लॉग दोनों थे, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। उसमें जो है वो मामा ने जो है वो बनाई है, रेसिपी बनाई है एक बड़ी ही यमी यमी सी, क्योंकि मैंने खा के देखी है तो मुझे बड़ी यमी लगी है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और आज जो है, आज भी आगे जो है वो एक रेसिपी आप लोगों को मिलने वाली है मामा की तरफ से। आप तो कह रहे होंगे रेसिपीज 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 डाल रही है, वो इस वजह से क्योंकि आजकल जो है वो मामा बना रही हैं, क्योंकि जो है वो भाभी के जो है मायके वालों को बुलाया हुआ है, तो उस वजह से जो है वो बना रही हैं। कल भी उनके लिए प्रिपेयर किया था, क्योंकि एक दिन पहले जो है वो हम प्रिपेयर कर लेते हैं। मामा कहती है कि उसी दिन अगर प्रिपेयर किया जाए तो वो फिर बहुत हैक्टिक हो जाता है, तो इसलिए जो है वो एक दिन पहले हम प्रिपेयर करते हैं। तो मामा ने कल जो है वो वाली रेसिपी बनाई थी, आज वो कोई और रेसिपी बनाई है, तो ज़रूर उसको चेकआउट कीजिएगा। मैं जो हूँ वो आगे एंड में लिंक भी उसका लगा दूंगी, ताकि आप लोग वहाँ से क्लिक करके देख सकें। और बाकी जो शॉर्ट वीडियो है, जिन्होंने नहीं देखी वो भी ज़रूर देखिएगा, और कमेंट ज़रूर सारे व्लॉग्स पर किया करें, ताकि पता चले कि कौन कौन हमें देख रहा है और पसंद कर रहा है। तो चलते हैं मामा की तरफ और देखते हैं रेसिपी। कल मैंने की थी उनके साथ हेल्प, आज भी की है लेकिन कल की तरह नहीं की, तो चलते हैं और देखते हैं। आज हम लगे हैं बनाने चिकन। अब चिकन कढ़ाई, ठीक है, तो ये मैं बड़ी सिंपल सी मेरी होती है, मैं कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं करती टशनबाजियाँ, सीधे सीधे से काम करती हूँ। ये देखिए जी प्याज है, ये प्याज क्योंकि मैंने इसके बाद पुलाव बनाना है, तो थोड़े से प्याज मैंने उसके लिए रख लेने हैं। कुछ ये इसमें डाल दिए हैं, ये चिकन है, ये 1.5 किलो चिकन है, ठीक है, ये 1.5 किलो चिकन है, ये मैंने रखा हुआ है। ये टमाटर है, 4 बड़े टमाटर हैं और 3 बड़े टमाटर हैं, और ये जो है क्योंकि ग्रेवी के लिए हमें टमाटर ज़्यादा चाहिए होते हैं, ठीक है, और ये है लहसुन अदरक, ठीक है, थोड़ा सा, और ये हरी मिर्च वगैरह जब डालूंगी फिर मैं आपको दिखा दूँगी, ठीक हो। ये देखिए अभी प्याज कर रहे हैं फ्राई। अच्छा, कढ़ाई में सबसे जो बड़ा फ़ायदा मुझे समझ आता है कढ़ाई में काम करने का, वो ये होता है कि इसमें ऑयल कम यूज़ होता है। देचकी में ना ऑयल बहुत ज़्यादा फैल जाता है और ज़्यादा लगता है उसमें, तो इसमें आपको पकाने का कढ़ाई में ये बड़ा फ़ायदा होता है। जाएगा प्याज गोल्डन ब्राउन, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है, इसके अंदर मैं भी इसको वो करती हूँ। ये मैंने इसमें लहसुन अदरक डाल दिया क्योंकि प्याज ब्राउन हो ही गए हैं तकरीबन, मैंने असल में ना गलती से आँच छोड़ दी थी, धीमी रखूँ, मतलब इतनी धीमी भी नहीं, मीडियम लो फ्लेम होनी चाहिए, तो जो जितना हाई होगा तो फिर साइड से गलना शुरू। ये मैंने डाल दिया, तो ये अभी गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, तो फिर मैं इसमें डालूंगी चिकन, ठीक है। लहसुन अदरक भी गोल्डन ब्राउन हो गया, प्याज भी हो गया, तो अब मैं डालती हूँ इसमें चिकन। गया था गोल्डन ब्राउन, ठीक है, अब मैंने कढ़ाई में डाल लिया चिकन। अब ये इसको थोड़ा सा मैं फ्राई करूँगी, और मैं इसमें सब कुछ डाल दूँगी, लेकिन नमक मैं तब डालूँगी जब मैं प्याज डालूँगी टमाटर, ठीक है। ये अभी अच्छे से हो जाएगा फ्राई, अब आप देख लें इसको थोड़ी देर
5-6 मिनट जो है इसको भून लेंगे ठीक है। ये देखो 1.5 केजी चिकन में डाला है, एक जो है प्लेन चम्मच रेड चिली, आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच पिसा हुआ धनिया और थोड़ा सा ज़ीरा डाला है। नमक मैं टमाटर के साथ डालूंगी, अभी ये भुनाई हो रही है इसकी, जब मैं टमाटर डालूंगी तो मैं आपको दिखा दूंगी ठीक है। थोड़ी सी मैंने साबुत काली मिर्च डाली है और जब गार्निश करूंगी या डालूंगी, पहले तो कढ़ाई में ही रखेंगे तो फिर भी आपको दिखा दूंगी। मीठी वाली मिर्च है तो ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये मेरी सास को बहुत पसंद है, तो मैंने उनसे ये सीखा कि मीठी वाली मिर्च भी, ये मैंने 3 डाली है, ये देखिए इसके अंदर 1, 2, 3 तो थोड़ी सी मैंने दालचीनी डाल दी है। बस हम इतना ही मसाला खाते हैं क्योंकि आजकल जो दौर है ना कम मसाले खाने का है। तो इसकी ऑलमोस्ट बुनाई हो ही गई है, थोड़ी सी इसकी जो बुनाई है वो टमाटर के साथ भी होनी है और मैंने अभी नमक भी इसमें डालना है, तो इसको अभी यहाँ तक तो आप देख ही लो इसके हालात क्या हैं। तो या तो फिर मुझे पता है इसके हालात या आपको जो नज़र आ रहे हैं वो है। ठीक है, अब ये टमाटर है, मैं टमाटर हर चीज़ में मतलब थोड़े से ज़्यादा ही यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे मेरा जो है ना टेस्ट जो मुझे है ना हंडी का वो टमाटरों के साथ ही आता है। अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर नमक में डालूंगी जैसे जितना हम खाते हैं, ये बहुत छोटा चम्मच है और 1.5 कर देती हूँ ठीक है, और अगर कम मुझे लगा तो फिर मैं इसको और सोचूंगी और ज़ेरे गौर। बहुत अच्छा सा हो गया इसका सारा स्टाइल, अभी मैं इसको थोड़ा सा चख लूँगी हिला के अच्छे से और देखूँगी कि नमक ठीक ही है, थोड़ा सा इसमें रच भी जाएगा। तकरीबन ऑलमोस्ट जो है हमारी कढ़ाई कंप्लीट हो गई है, लेकिन मैंने थोड़ी सी ग्रेवी इसमें ज़्यादा रखनी है क्योंकि हमने इसको नान के साथ भी खाना और हमने साथ पुलाव बनाना है और उसके ऊपर भी हमने डाल के खाना है। तो अभी आप देख लो कि ऑयल अलग हो गया है इसका ठीक है, अभी मैं इसको उतार के साइड पे रख दूँगी ताकि जब दोबारा गर्म करूँ तो थोड़ी सी तो फिर और ड्राई हो जाएगी ठीक है। तो जब गार्निश करेंगे या डिश में डालेंगे तो फिर भी आपको दिखा देंगे एक दफ़ा। ओके, टेक केयर, देखने के लिए शुक्रिया।